आज जो प्रेस वार्ता बुलाई गई है उसके बारे में भारती जी आप अध्यक्ष हैं महासंघ के, तो आपसे शुरू करते हैं, आप जानकारी दीजिए मीडिया को पूरी। जय भीम सभी साथियों को। जय भीम। जय भीम। असली में क्या है कि दिन प्रतिदिन इस देश के अंदर SC/ST समाज के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है उसको लेकर के 26 नवंबर 2018 को तालकटोरा स्टेडियम में एक बहुत बड़े प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है जिसके लिए ये प्रेस वार्ता हमने यहाँ रखी है। मुख्य विषय है इस देश के संविधान के साथ दिन प्रतिदिन हो रही जो भी इस देश की सरकार द्वारा संविधान के साथ में जो छेड़छाड़ की जा रही है उसको किस प्रकार से हम रोक पाएं, उसके लिए हमने बहुत बड़ा आयोजन किया है। समाज के सभी वर्गों को उसमें आमंत्रित किया है कि सब लोग आएं, अपनी राय दें, किस प्रकार से बाबा साहब के द्वारा दिए गए अधिकारों को इस देश की सरकार एक एक करके हमसे छीन रही है। मेन जो हमारा एजेंडा है वो यही है, उसके साथ बहुत सारे एजेंडे हैं जिन पे हम लोग पिछले काफ़ी सालों से प्रयासरत हैं कि समाज के साथ हम लोग अन्याय करने वालों का पर्दाफाश करें, उस अन्याय को किसी भी प्रकार से समाज पर न थोपा जाए उसके लिए प्रयासरत रहें और उसके खिलाफ हम अपनी रणनीति लगातार कामयाब रहे अब तक, लेकिन अभी भी चाहे वो पहली सरकार थी या ये सरकार है लेकिन इस सरकार ने तो हद ही कर दी है जैसा कि हम देख रहे हैं। तो इसीलिए हमने आज प्रेस वार्ता यहाँ बुलाई है, आप लोगों के सामने हम लोग अपने विचार रखेंगे और मैं चाहूँगा कि KP चौधरी साहब जो परिसंघ जो हमारे महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव हैं वो इस बारे में अपने विचार रखें।